गायत्री विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय सांसों के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का पुनः हार्दिक स्वागत है। आज हम सातवीं क्लास के विज्ञान विषय का नवमा पाठ पढ़ने जा रहे हैं, जो आपका टॉपिक रहता है मृदा। इस पाठ पर आधारित आज अपना वीडियो लेक्चर सेकेंड है, जिसमें आप देखने जा रहे हैं मृदा को पढ़ाई कि मृदा की परिस्थिति का आप अध्ययन करते हैं। तो मृदा बेसिकली कल वाले वीडियो लेक्चर में देखा था, मतलब प्राकृतिक प्रक्रिया है, मृदा को अपना सामान्य रूप से नहीं बना सकते, प्रकृति की देन है और प्रकृति का अजैविक घटक के अंतर्गत है। और मृदा में डायरेक्ट इनडायरेक्ट आप देखें तो उसका क्षेत्रीय प्रभाव और अलग अलग प्रकार के इफेक्ट की वजह से उसके सामान्य गुणधर्म अलग अलग कंडीशन में अलग अलग हो जाते हैं। तो आज हम देखें मृदा परिस्थिति का अध्ययन करते हैं तो किस प्रकार से इसकी संरचना दिखाई देती है। तो इसके लिए जनरली अपन आपको ये बताया जा रहा है कि परिस्थिति का मतलब मृदा का अपन ऊर्ध्वाधर खड़ी कटिंग करते हैं, खड़ी खुदाई करते हैं, तब मृदा की अलग अलग परतें दिखाई देती है। आपने देखा होगा कभी कभार आपके घर पे कुआ की खुदाई या बड़े टैंक की खुदाई होती है, या कभी कभार कोई वन विभाग की खाई को आपने देखा होगा, तो मृदा की विभिन्न अलग अलग परतें ऐसे दिखाई देती है। मृदा की क्या दिखाई देती है, अलग अलग परतें। क्यों? क्योंकि मृदा को कैसे अपन कट करना है, ऊर्ध्वाधर, ऊर्ध्वाधर का मतलब ऐसे सीधा ऐसे नहीं कट करना, ऊर्ध्वाधर कट करना है। ऊर्ध्वाधर कट करोगे तब खड़ा सीरोगे तब उसके अलग अलग पार्ट दिखाई देंगे कि ऊपरी मृदा अलग है, जैसे जैसे नीचे की तरफ जाते हैं मृदा के अलग अलग हिस्से देखने को मिलते हैं। तो इस चीज को आपको कंफर्म करने के लिए आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग आपके लिए क्या क्रियाकलाप दे रखे हैं कि मृदा प्रोफाइल का सामान्य अध्ययन किस प्रकार से करते हैं, तो उसके बारे में बात करते हैं, उसके बाद में इसके अपन आते हैं। क्रियाकलाप के दौरान आपको समझाता हूं मैं, क्रियाकलाप के माध्यम से आप बता सकते हैं कि एक कास्ट का आपने क्या किया, गिलास लिया, कास्ट का एक गिलास लेते हैं, फिर उसमें पानी भर लीजिए, क्या भर लीजिए, शुद्ध पानी भरो, कास्ट का एक गिलास लिया, इसमें क्या भरते हैं आप, पानी, पानी भर दिया, फिर देखिए क्या कितना आपको आपको किसी भी स्थान की मृदा लेनी है, कितनी जितनी आपके हथेली मानती है, ऐसे जितनी मोटी मृदा आती है उतनी मृदा को लीजिए और फिर बाद में मृदा को इस पानी में मिला दीजिए। धीरे धीरे क्या डालते हैं आप इसमें, मृदा डालें, मिट्टी डालते हो, मृदा डालने के बाद में इसको थोड़ा बहुत हिला दीजिए, शुरू शुरू में कैर कर दीजिए ताकि मिक्स हो जाए, पूर्ण रूप से क्या हो जाए, मिक्स हो जाए। फिर बाद में मृदा मिलाने के बाद में एक घंटा के लिए इसको क्या करो, शांत छोड़ दो, बिल्कुल उसको कोई मूवमेंट नहीं होना चाहिए। उपरांत एक घंटे के बाद में आप देखते हैं तो क्या दिखाई देती है, मृदा में अलग अलग परतें दिखाई देती है, मृदा में क्या दिखाई देती है, अलग अलग परतें दिखाई देती है। उन परतों के अकॉर्डिंग अपन को पता लगता है कि मृदा के अलग अलग कण होते हैं और उनकी अलग अलग सतह बनती है और अलग अलग लेयर में अलग अलग प्रकार के पार्टिकल उपस्थित होते हैं। तो जनरली आप देखोगे एक घंटे के उपरांत तो आपको मृदा पे ऐसी सतह दिखाई देती है, एक गिलास था और इसमें क्या देखोगे आप, एक परत ये बन गई, फिर ये परत बन गई दूसरी, फिर आप देखते हैं और आपको इसके ऊपर एक और परत पाई जाती है, और
और यहाँ पे क्या पहलेगा जल आपके और जल के ऊपर ऊपरी पार्ट में एक परत की परत देखी जाती है, ऐसे तैरते हुए पदार्थ आपको देखने को मिलते हैं। क्या मिलते हैं? तैरते हुए पदार्थ आपको देखने को मिलते हैं। और वो क्या होंगे? आपके यूनिवर्स के भूमिका निभाएंगे। वो किसकी भूमिका निभाते हैं? यूनिवर्स की। तो आप देखते हैं मृदा में इस प्रकार से अलग अलग पार्ट्स में डिवाइडेड होना। आपने कांच के गिलास में पानी भर के पानी में आपने मृदा मिलाई तो मृदा मिलाने पर मृदा के अलग अलग भाग दिखाई देते हैं। तो इसके आधार पर आप क्या बता सकते हैं? सबसे जो ये पार्ट यहाँ पे जो ये जमा हो रही वो क्या हो जाएंगे? आपके कंकड़ होंगे, कंकड़ के रूप में। फिर बालू, फिर ऊपर देखोगे मट्टी का, ये जल और ये परत बनती है वो क्या बताएंगे? आपके ह्यूमस की, ह्यूमस से पदार्थ। तो मिट्टी में ऐसे अलग अलग कई प्रकार के पदार्थ पाए जाते हैं। तो इनको बेसिकली देखते हैं, कंकड़ मतलब बड़े बड़े पत्थर होते हैं। तो पत्थर तो धीरे धीरे सबसे तल में जमा हो जाएंगे, बालू उसके ऊपर ऐसे लहर के रूप में पड़ी रहेगी और फिर उसके ऊपर क्या पाएगी? मट्टी का। मट्टी का मतलब आप जब सामान्य भाषा में कहते पंपी उड़ती, तो पंपी क्या एक प्रकार की मृत्तिका का उदाहरण है। एकदम छोटे छोटे पार्टिकल लेट के उड़ते हैं ना हवा के साथ उड़ने वाले पार्टिकल को। और जल और ह्यूमस होगा विभिन्न प्रकार के जीव जंतु का पेड़ पौधों के सड़ने गलने से बना हुआ पदार्थ, जो तेलीय पदार्थ के रूप में भी हो सकता है, कार्बनिक पदार्थ के रूप में, आपके लिक्विड रूप में, ब्लैक ब्लैक एक सतह सतह दिखाई देती है ऊपर, वो हो जाएगा आपके ह्यूमस। तो इस प्रकार से अपन गिलास में देखते हैं तो ये क्रियाकलाप के माध्यम से अपन को समझ में आ जाती है कि शुद्धि करने पर हमें विभिन्न प्रकार के पदार्थ अपने को दिखाई देते हैं। तो ये मृदा अब क्रियाकलाप के माध्यम से इस प्रकार के विभिन्न अलग अलग सतह दिखाई देती है। परंतु अपन जनरली खड़ी मृदा को अपन कट करते हैं डायरेक्ट ऐसे, तो आप देखते हैं ऊपरी सतह पर यहाँ पे क्या पाएगा आपके ह्यूमस, क्या पाएगा ह्यूमस। फिर बाद में ये हो जाएगा ह्यूमस वाला सबसे ओ स्तर होता है ऊपर का स्तर, ओ स्तर। फिर बाद में ये स्तर, फिर आपके दिखाई देता है बी स्तर और फिर आपके सी स्तर और फिर बाद में आपके आ जाती है आधारशिला डी स्तर। डी स्तर होता है वो सबसे कठोर होता है, डी स्तर होता है वो सबसे हार्डनेस होता है, जहाँ पे क्या पाई जाती है बड़े बड़े ब्लॉक तथा बड़े बड़े पत्थर होते हैं। सीनेरियन करती दीवार आप अलग अलग प्रकार के सब निर्माण करने के लिए जो आपके काम आने वाले सीने के सामने भाषण, तो वो बड़े बड़े पार्टिकल सेने सामान्य भाषण कहते हैं जो सब बनाने काम आते हैं, तो वो जो होती है क्या एक प्रकार के कह सकते हैं आधारशिला, आधार सेल। फिर इसके ऊपर क्या होती है बजरी टाइप में से कंकड़ वंकड़ वो होते हैं। बजरी व कंकड़ बड़े बड़े पत्थर होते हैं वो। फिर इस पे आपको देखने को मिलती है विभिन्न प्रकार की क्या होती है बालू, विभिन्न प्रकार की मिट्टी के ऊपरी पार्ट। बालू और यहाँ पे क्या पहले थी मट्टी का, और ये आपकी ह्यूमस का स्तर होता है। इसमें विभिन्न प्रकार के जीव जंतु तथा पेड़ पौधों के अपघटित होने के बाद में पदार्थ इसमें यहाँ पे देखने को मिलता है। और यही पार्ट मृदा का ओ स्तरी सबसे उपजाऊ पार्ट होता है जो मिट्टी की उर्वरक क्षमता को प्रदर्शित करने में इसी की भूमिका होती है। इसकी कितनी गहराई होती है? 4-5 इंच तक ये परत पाई जाती है मृदा के ऊपरी सतह पर।
ऊपरी पार्ट में हमें ये हिस्सा होता है और बहुत जो पार्ट बताया एयर दिमाग बात जाएगी। तो ये इस प्रकार से अपन देखते हैं तो मर्दा का प्रोफाइल डायग्राम की आपको बात करें तो क्रियाकलाप के माध्यम से भी आप समझा सकते हैं और अलग अलग प्रकार की लहरों के माध्यम से भी इसको प्रस्तुत करके आप व्यवस्थित बात कर सकते हैं। अब देखते हैं, देखिए मर्दा का ऊर्ध्वाधर खड़ा कट लगाने पर ऊपरी मर्दा से मूल पदार्थ तक की विभिन्न परतें दिखाई देती है। ऊपरी पार्ट से लेके आधारशिला तक विभिन्न प्रकार की अलग अलग परतें दिखाई देती है। इसे सामान्य भाषा में वन वर्ड में अपन क्या कहते हैं, मर्दा प्रोफाइल डायग्राम। मर्दा प्रोफाइल डायग्राम बनाइए तो आप क्रियाकलाप के माध्यम से भी बना सकते हैं और डायरेक्ट भी बना के आप बता सकते हैं कि ये मर्दा प्रोफाइल डायग्राम है। दिमाग बात रहेगी, मर्दा के ऊर्ध्वाधर अनुमान छिद्रित करने पर अलग अलग परतें दिखाई देती हैं। इन सभी मर्दा को परिस्थिति का कहते हैं। मर्दा की परिस्थिति देखा गया ओ ए बी सी डी अलग अलग क्या होते हैं स्तर और उसमें अलग अलग घटक देखने को मिलता है। ओ स्तर सबसे ओ स्तर मैंने क्या बताया उपजाऊ स्तर है। ओ स्तर इसमें सड़े गड़े कार्बनिक पदार्थ होते हैं जो कुछ सड़े गड़े भी हो सकते हैं कुछ असड़े गड़े भी हो सकते हैं। कुल मिला के ह्यूमस युक्त मर्दा ऊपरी पार्ट बताएगी ओ स्तर। और ए स्तर, ए स्तर में आप देखते हैं तो ये कार्बनिक पदार्थ का खनिज पदार्थों का मिश्रण इसमें देखने को मिलता है मृत्तिका ग्रुप में। मृत्तिका होती है उसमें विभिन्न प्रकार कार्बनिक पदार्थ तथा कई प्रकार के खनिज पदार्थ इसमें देखने को मिलते हैं। फिर बाद में बालू रेत आ जाती है और फिर कंकड़ व बजरी और अलग अलग पार्ट में सी स्तर में आ जाते हैं और लास्ट में डी स्तर होता है वो मूल पदार्थ तथा आधारशिला को प्रदर्शित करता हुआ बताया गया है। तो इस प्रकार से अपन देखते हैं तो अलग अलग पार्टों के अकॉर्डिंग मर्दा प्रोफाइल डायग्राम के आधार पर अपन समझ के बता सकते हैं कि इनकी अलग अलग प्रकार की मर्दा प्रोफाइल डायग्राम बना के बताइए तो आप ये मर्दा प्रोफाइल डायग्राम प्रदर्शित करोगे। और इधर वाला ये क्या है आपकी क्रियाकलाप, ये क्या है आपकी क्रियाकलाप प्रयोग के द्वारा आपको बताएंगे। ये तो आपकी क्रियाकलाप आपके क्लास में मर्दा प्रोफाइल डायग्राम को प्रदर्शित करके आप क्रियाकलाप के माध्यम से प्रयोग करके बता सकते हैं। ये तो प्रयोग था आपका और ये है परिमेय छिद्र। अपन मर्दा को ऐसे खड़ा कटिंग करते हैं तब इसके अलग अलग पार्ट दिखाई देते हैं उसको अपन इस रूप में प्रदर्शित करते हैं। तो ये मर्दा प्रोफाइल डायग्राम तथा ये आपके क्रियाकलाप, तो ये आपको एग्जाम में पूछा जाता है, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट बताया गया कि मर्दा प्रोफाइल डायग्राम के लिए एक क्रियाकलाप के माध्यम से विस्तार रूप से मर्दा की विभिन्न परतों को समझाइए। तो इस प्रकार से आपको प्रदर्शित करना है। तो क्या मैंने शुरू में क्या बताया, एक कांच का गिलास लेना है उसमें पानी भर के मुट्ठी भर के रेत डालते हैं और एक घंटे के उपरांत इसमें अलग अलग प्रकार की ऐसे परतें दिखाई देती है। जो पेड़ पौधे तथा जीव जंतु के विभिन्न प्रकार के पार्टिकल मिले होते हैं उसको बोलते हैं ऊपरी मर्दा तथा मृत्तिका तक यहाँ सीमित रहते हैं और पेड़ पौधों की जड़ें इसी में मिश्रित होती है। ध्यान जहाँ पे यही मर्दा की क्या प्रदर्शन करती है, यही मर्दा की क्या है उर्वरक क्षमता भी बताई जाती है। इसी के आधार पर मर्दा की जो देखते हैं उर्वरकता और इस सतह की कैटायन एक्शन कैपेसिटी सबसे अधिक होती है धनायन विनिमय क्षमता, सबसे अधिक मर्दा में धनायन विनिमय क्षमता इस पर अपने देखने को मिलती है। तो कई प्रकार की बेसिक प्रॉपर्टी को अपन स्टडी करते हैं तो उसके अलग अलग गुणधर्म होते हैं और उसके आधार पर हम बता सकते हैं। तो सामान्य रूप से आपके बात दिमाग में रहेगी। तो ये था आज का आपके टॉपिक जिसके अंतर्गत आपने देखा कि किस प्रकार से मर्दा प्रोफाइल डायग्राम होता है और इसको क्रियाकलाप रूप से किस प्रकार से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आगे देखते हैं मर्दा बेसिकली मर्दा के मुख्य घटक बताए गए जैविक तथा अजैविक घटक होते हैं। तो इसमें जैविक घटक से तो क्या बनता है ह्यूमस तथा अजैविक घटक से बनते हैं आपके सेल कण या आधारशिला का निर्माण होता है। मर्दा के मुख्य घटक कितने हैं, दो घटक हैं। मर्दा के मुख्य घटक बताए जा रहे हैं वो हैं दो घटक हैं। कौन कौन से,
सेकंड अदर सेल जो अजैविक घटक है, और दूसरा है जैविक घटक। जैविक घटक में उदाहरण ह्यूमस, जीव जंतुओं के विभिन्न प्रकार के पार्टिकल, अर्थात हम कह सकते हैं मृदा बराबर सेल कण प्लस ह्यूमस। इतना शॉर्ट में आप याद रखना कि मृदा किसे कहते हैं, जब सेल कण में ह्यूमस पदार्थ की उपस्थिति की वजह से जो मिश्रण तैयार होता है उसको अपन मृदा कहते हैं। तो ये जनरली बात आपको काफी से जो बात व्यवस्थित रूप से स्टडी करवाई, तो मृदा प्रोफाइल डायग्राम इंपॉर्टेंट है, समझें और व्यवस्थित रूप से प्रत्येक जो मैटर आपको अध्ययन करवाया जा रहा है उसको व्यवस्थित रूप से समझते हुए इस मैटर को ऑब्जर्व करें। तो ये था आज का अपना वीडियो लेक्चर, मृदा प्रोफाइल डायग्राम तथा मृदा के मुख्य घटकों के बारे में आपने स्टडी की। अगले वीडियो लेक्चर में अपन देखेंगे मृदा के विभिन्न प्रकार, मृदा के विभिन्न प्रकार अलग अलग प्रकार होते हैं और अलग अलग क्षेत्र की मृदा की अलग अलग विशेषता देखने को मिलेगी, उसके बारे में अपने अगले वीडियो लेक्चर में विस्तार रूप से स्टडी करेंगे। तो ये था आज का टॉपिक। इंपॉर्टेंट बात ये गायत्री विद्या मंदिर यूट्यूब चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, लाइक करें ताकि अपलोड होने वाले नए वीडियो तथा नए नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा, ताकि आपकी पढ़ाई कंटिन्यू मिले, घर पर सुरक्षित रहो, अपना काम करते रहे। थैंक यू, धन्यवाद सो मच।